फाइनल रूट को एस इन टू प्लस इसको बैलेंस करते हैं। या तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कौन किस में कन्वर्ट करता है। जैसे एमएन ओ फोर माइनस ए कन्वर्ट करेगा एमएन टू प्लस एसिडिक मीडियम में, अगर अल्काइन मीडियम था तो एमएन ओ टू में कन्वर्ट। तो यहां पर पहला रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इसे लिखेंगे हम लोग एम एन ओ फोर माइनस ये किसमें कन्वर्ट किया एम एन टू प्लस। रूल्स क्या पढ़े थे हम लोग, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंगनीज वन मैंगनीज वन ये बैलेंस है, ऑक्सीजन यहां फोर है यहां एक दे दे। अब आप क्या करेंगे प्लस फोर एच टू, हाइड्रोजन कितना है ए, बताइए यहां क्या लिखेंगे ए एच प्लस। अब इसके बाद में चार्ज लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है सेवन प्लस, इधर कितना है टू प्लस, कितने का डिफरेंस तो यहां पर हम लोग फाइव लिखा। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां पर एस एन टू प्लस है, आप बताओ एस एन टू प्लस किसमें कन्वर्ट करते हैं एस एन फोर प्लस। पिछले क्लास में जो पार्ट लिखवा है वो याद रखना ही होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस एटम ऑलरेडी बैलेंस है सिर्फ एस एन था, तब इसके बाद में चार्ज हो जाए यहाँ टू प्लस है और यहाँ फोर प्लस, कितने का डिफरेंस है टू का, टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते वक्त हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ फाइव इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे और इसको तो फाइव टू जा टेन और टेन ये दोनों कैंसिल हो गए और कोई पार्ट कॉमन नहीं है, तो फाइनल आएगा क्या हमारा बैलेंस होने के बाद में ओ फोर माइनस प्लस फाइव एस एन टू प्लस प्लस सिक्सटीन एच प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिए टू एम एन टू प्लस फाइव एस एन फोर प्लस प्लस एट बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद एक अल्काइन मीडियम का क्वेश्चन इसको कर, पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे उसी से आगे बढ़ आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए इसको कर कॉपी कर ली क्या आप लोग। अब यहां पर अल्काइन मीडियम में दो स्टेप पड़ जाए तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग यहां पर डिटेल से थोड़ा बता रहे हैं, बाकी जो जब समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर MnO4- और माइनस पर इस वाले पार्ट को बैलेंस कर लेते हैं रिडक्शन हाफ के बोर्ड पर देखो भी ध्यान से। आप बताओ अल्काइन मीडियम में MnO4- और माइनस किसमें कन्वर्ट है MnO4 वाले सब कुछ वैसे ही जैसे एसिडिक मीडियम में करते हैं, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैंगनीज वन मैंगनीज वन यहाँ ऑक्सीजन फोर और इतना कितना कितने का डिफरेंस है क्या करेंगे यहाँ प्लस टू एच टू, हाइड्रोजन कितना है प्लस फोर। एसिडिक मीडियम होता तो यहाँ पर बैलेंस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम है तो यहीं पर आगे का स्टेप बढ़ जाओगे, जितना एच प्लस रहेगा उतना ही ओ एच माइनस दोनों साइड में, यहाँ फोर एच प्लस है तो इतना ही ओ एच माइनस दोनों साइड में, यानी यहाँ भी क्या करते फोर ओ एच माइनस और प्लस फोर ओ एच माइनस। अब ये एच प्लस है और ओ एच माइनस है तो आप पढ़े हैं वाटर हम एच करता है तो देता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, और एच प्लस और ओ एच माइनस कंबाइन कर किस पे कन्वर्ट एच टू। अब अगले स्टेप में देखिए इसको लेते हैं एम एन ओ फोर माइनस
प्लस 4H2O HBMnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH। अब चार्ज बैलेंस कर दो, यहां कितना है माइनस, उधर कितना है माइनस, कितने का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन साइड में। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन के बाद आप काम करोगे, इधर तो 3 माइनस माइनस 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस, उधर एक चीज और कैंसिल भी कुछ हो रहा है। देखो यहाँ 4H2 है और इधर क्या है 2H2, इस प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, बाकी कितना बचा है 2H2, यानी ये बैलेंस होकर के आ गया MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट मीन MnO2 प्लस 4OH। ये हो गया। अब भैया अगर मान लीजिए प्रैक्टिस में रहेंगे तो सारा कुछ जो यहीं पर हो जाएगा, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, तो हम इमेजिन करेंगे कि 4H2O है और यहाँ कितना है 2H2O, इसी जगह पर कैंसिल कर दिए और 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 प्लस 3। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको 3 पार्ट, वैसे ही फिर दूसरे वाले पार्ट को भी करेंगे, यानी आई माइनस। आप बताओ आई माइनस किसमें कन्वर्ट करता है, I माइनस कन्वर्ट करता है ओडेट में। पिछले क्लास में सारा कुछ लिखवा I3 में सारे आइटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, I1 ऑक्सीजन यहां कितना है 3, बताओ क्या लिखेंगे 3H2, 6 हाइड्रोजन यहां बताओ 6H, क्योंकि बेसिक मीडियम का क्या करेंगे यहां पर, यहां भी 6OH माइनस और इस साइड में भी करेंगे हम 6OH माइनस, बताओ ये किसके कन्वर्ट कर जाए 6H2, यहां लिख देते हैं फाइनल आई माइनस, अभी काट देते हैं देखो 3H2 और यहां कितना है 6H2, बताओ कितना बचे 3H2। अब यहां आई माइनस प्लस 6OH माइनस IO3 माइनस प्लस 3H2, अब इलेक्ट्रॉन देख लो बता लेफ्ट साइड में कितना चार्ज 6 माइनस एंड माइनस 1 कितना 7 माइनस, आइडर कितना माइनस 1, कितना करेंगे 6 माइनस। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को एक जगह पर लिखें तब आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 लेंगे, बताओ क्या MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 लेंगे, MnO2 प्लस 4OH माइनस, MnO2 प्लस 4OH। दूसरा वाला पार्ट बैलेंस होकर के क्या आया है आई माइनस प्लस 6OH माइनस, आई माइनस प्लस 6OH। कन्वर्ट किया है इसमें IO3 माइनस प्लस 3H2, IO3 माइनस प्लस 3H2 प्लस 6H2। अब देखो दोनों भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले को किससे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से यहाँ कई पार्ट कटेगा, यदि बाकी में यहाँ गड़बड़ हो जाए 3 2 6 और ये 6 कैंसिल हो गया,
टू और ओ एच भी कैंसिल देखना है, यहाँ टू एच टू है और टू से मल्टी का है कितना हो गया फोर एच टू, और यहाँ कितना है थ्री एच टू, यहाँ क्या बचेगा एच टू, ओ एच भी कैंसिल होगा देखो यहाँ कितना ए और यहाँ कितना सी एच, यहाँ बना जाएगा टू ओ एच माइनस, अब फाइनली तक तो लेन देन दीजिए, फाइनल आ गया टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस आई माइनस प्लस एल टू ओ टू एच टू ओ कैसे ये तो मल्टीप्लाई करने के लिए ठीक है, यहां पर क्या पार्ट आ जाएगा टू एम एन ओ टू प्लस आई थ्री माइनस प्लस बता दिए तीन है जनरली जो पूछा गया क्वेश्चन है तो आयो ए माइनस के वापस नोट कर लिए हो जाएगा तो बोलना, और थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, हम लोग तो दो तीन दिन लगा दिए इसी वाले पोर्शन में, इसको नोट कीजिए, वैसे एग्जामिनेशन में ये वन मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको मार्क्स मिलेगा जो फाइनल लिखे हैं आप उसके ऊपर, वही ये क्वेश्चन इलेवेंथ का होता तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन होता और ये सारे स्टेप पर डिपेंड करता जो जितना स्टेप लिखे, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा वन मार्क्स का, बोलो क्या हम क्यों स्टेप करेंगे, हमने आपको क्या बताया आपको स्टेप पर मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको फाइनल पे मार्क्स मिलेगा जो इक्वेशन लिखना है, अब वो इक्वेशन आप जो डायरेक्ट याद रखते हैं तो ठीक है लेकिन याद कहां से रहेगा, उतना बड़ा इक्वेशन कहां से याद रहेगा, ये तो हमने तरीका बताया और फिर ये बताया कि जैसे पहले वाला तीन स्टेप में किए थे यहाँ कितने स्टेप में हो गया दो स्टेप में, और अगर क्वेश्चन है टाइम आपके पास में 10-15 मिनट तो आप दो क्वेश्चन बनाओगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप में हो जाएगा, नोट कर लिए जैसे सिडिक मीडियम का था वैसे ये भी एक स्टेप में हो, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आप टाइम निकालते हैं या फिर आगे का एक साल पूरा टाइम है आपके पास, दोनों ऑप्शन है, या तो अभी 15 मिनट आधा घंटा टाइम निकालिए नहीं तो फिर लगे कि हमारे पास टाइम है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा एक साल बचा आराम से करते रहिए, ऐसे समझ रहे अच्छा लिख लेना समझ भी ले हैं कब समझेंगे, जब समझा रहे थे तब तुम लिख रहे हो गया, ऑर्गेनिक के लिए एक अलग कॉपी भी बनाओगे ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए अलग कॉपी बना, अब लिखिए टॉपिक अ स्मॉल ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट जैसे बाकी में डिफिनेशन पढ़े वैसे यहां पर भी डिफिनेशन आएगा, याद कीजिए एस ब्लॉक के लिए क्या पढ़े थे, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब एलिमेंटर करे उसे एस ब्लॉक, जिसका पी ब्लॉक में इंटर करे पी ब्लॉक, उसी तरह से जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब एलिमेंटर करेगा उन्हें ए ब्लॉक एलिमेंट, देखिए इंट्रोडक्शन में कुछ एक पॉइंट, देखो द एलिमेंट The element which last electron, the element which last electron, which last electron enters into, which last electron enters into F subset, enters into F subset are called F block element, are called F block element, F block element. Next point, the F block elements, the F block elements are present in just below, are present in just below the main body part, just below the main body part
मेन बॉडी पार्ट ऑफ पेरियोडिक टेबल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल. नेक्स्ट पॉइंट, द एफ ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, द एफ ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट, सीरीज ऑफ एलिमेंट नोन एज लैंथेनाइड्स, नोन एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, नोन एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. यहां लिखा हुआ है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स. नेक्स्ट पॉइंट, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, आफ्टर लैंथेनम ब्रैकेट में लिखोगे. थोड़ा सा समझ लो, यहां पर यहां लैंथेनम ये सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप में आ रहा है. यहां इसका एटॉमिक नंबर देखो तो ये 57 और 57 के बाद में क्या आ गया 72. तो 57 से 72 के बीच का एलिमेंट यहां चला है, यहां पे 58 से लेकर के कहां तक गया 71 तक. तो लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स जो सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम तक होता है उन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता है. उसी तरह से एक्टिनियम का 89 है, इसके बाद रदरफोर्डियम का 104 है. 89 और 104 के बाकी के जो 14 एलिमेंट हैं वो यहां चलाया जिन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है. देखो 89 उसके बाद फिर क्या आ गया 90 और ये लॉरेंसियम तक जाता है यानी कि 103 तक. तो लैंथेनाइड कहते किसे हैं, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, यानी लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट को लैंथेनाइड्स कहा जाता है और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स कहा जाता है. तो लैंथेनाइड्स में आएगा कहां कहां से, तो ये सीरियम से स्टार्ट होगा. सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 58, तो यहां ब्रैकेट में आप लिखोगे सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से कहां तक जाएगा ल्यूटेरियम और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 70. तो आप ब्रैकेट में लिखो जहां तक लिखे हैं द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, ब्रैकेट में लिखोगे सीरियम टू ल्यूटेरियम, सीरियम टू ल्यूटेरियम are called, cerium to lutetium are called lanthanides, are called lanthanides, are called lanthanides. Next point, 14 elements, next point, 14 elements after actinium, 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, आफ्टर एक्टिनियम. अब आप बता सकते हो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, थोरियम 90 टू लॉरेंसियम एल आर 103, थोरियम टू लॉरेंसियम 103 are called actinides, are called actinides, are called actinides. ठीक है यहां तक. तो लैंथेनाइड्स लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को और एक्टिनाइड्स एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को. ये दो सीरीज ऑफ एलिमेंट है. मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का अगर आपको ड्रॉबैक याद होगा तो वहां पर ये ड्रॉबैक में आता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग पोजीशन है, लेकिन जो लैंथेनम का पोजीशन है यानी कि सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप वही सारे लैंथेनाइड्स का पोजीशन.
उसी तरह से एक्टिनॉइड्स का पोजीशन किसके पोजीशन के बराबर है, एक्टिनियम के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लैंथेनाइड्स आर कंसीडर्ड एज, ऑल लैंथेनाइड्स आर कंसीडर्ड एज, आर कंसीडर्ड एज द एलिमेंट्स, द एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड, एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिएगा पोजिशन ऑफ लैंथेनम, पोजिशन ऑफ लैंथेनम, पोजिशन ऑफ लैंथेनम, लैंथेनम एंड सिमिलरली, एंड सिमिलरली, सिमिलरली ऑल एक्टिनाइड्स, सिमिलरली ऑल एक्टिनाइड्स, all actinides are considered as, all actinides are considered as, are considered as the members of, are considered as the members of seventh period, members of seventh period and third group, seventh period and third group। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ एक्टिन, पोजीशन ऑफ एक्टिन, ऑफ एक्टिन। देखना इसके इंट्रोडक्शन में लिख पा। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, एक पॉइंट और देखिए, एक पॉइंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट आर कॉमनली नोन एज, आर कॉमनली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉमनली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इसे इनर ट्रांजिशन क्यों कहा गया, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव के बीच में प्रेजेंट है और इसी के अंदर में यहां पर ये पूरा का पूरा 14 एलिमेंट इसके अंदर में आ गया, तो इसलिए इसे इसके अंदर का कहा गया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर में है इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। अब लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एफ ब्लॉक, इन एफ ब्लॉक द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन एफ ब्लॉक द लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एंटी पेनल्टी नेट सेल, एंटी ALTE एंटी पेनल्टी नेट सेल, एंटी पेनल्टी नेट सेल, पेनल्टी नेट सेल, ब्रैकेट में लिख देना थर्ड लास्ट ऑर्बिट, थर्ड लास्ट ऑर्बिट एंटी पेनल्टी नेट सेल यानी थर्ड लास्ट ऑर्बिट। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जाता है, डी ब्लॉक का सेकेंड लास्ट ऑर्बिट जिसे पेनल्टी नेट सेल कहा जाता है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टी नेट सेल यानी कि बाहर में नहीं जाता, अंदर में तीसरे ऑर्बिट में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, the general electronic configuration of f block element, f block element are, f block element are, r की जगह इज करो,
इज एन एस टू एन माइनस वन डी वन और जीरो एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टी लिखे। अब देखो यहां पर याद करो डी ब्लॉक को वहां क्रोमियम और कॉपर फर्स्ट ट्रांजिशन से हाफिल्ड एंड फुलफिल्ड चार्ज करने नहीं जा रहा था तो डी फोर को किसमें कन्वर्ट कर दे डी फाइव में और डी नाइन को डी टेन में। अब उसका एक इलेक्ट्रॉन भार पाई कहां से हुआ था फोर एस से तो वहां पर फोर एस वन और टू लिखा गया। उसी तरह से यहां पर भी एफ में और ज्यादा ओवरलैपिंग होता है तो स्टेबिलिटी के लिए वो डी के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ऐसे डी में वन इलेक्ट्रॉन लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा उसमें कितना कम हो जाएगा जीरो इसलिए डी वन और जीरो ये लिखा जाता है एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टी तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पेसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पेसेस some important spaces are as follows some important spaces are as follows अब याद करो आप एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ट्रांजिशन मेटल में तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का सारा कॉन्फिगरेशन लिखे एटम का या आयन का और कुछ ए ब्लॉक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो बोले थे कि उसको छोड़ दो जब हम लोग ए ब्लॉक पढ़ेंगे तो उस वक्त एक्सरसाइज का 8.1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा आपको तो वो अब आ गया है टाइम कंप्लीट कर तो यहां पर आप देखोगे टेबल में एनसीईआरटी में कॉन्फिगरेशन पूरा लिखा ए ब्लॉक एलिमेंट का लैंथेनाइड का भी और एक्टिनाइड का तो अगर हमें मान लें कि लॉरेंशियम का लिखना है LR3 प्लस का है तो लॉरेंशियम का पता है हमें तो उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन अरेंज करके निकाल लेंगे तो आप क्या करो आर प्लस लाइन जगह छोड़ दीजिए और कॉन्फिगरेशन आप खुद से लिखिएगा कम से कम वो वाला जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हो जो आपकी कॉपी में भी लिखा पहले एटम का लिखोगे कॉन्फिगरेशन अरेंज जैसे डी ब्लॉक में पढ़े थे हम लोग और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन भी मुक्त करें। नेक्स्ट लिखे एटॉमिक एंड आयनिक रिएक्शन आप 10 लाइन जगह छोड़ दिए जो इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्शनल दिख रहा है उस टेबुलर फॉर्म से डी ब्लॉक में पूरा टेबल समझा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस लिख दे इसके बारे में इन जनरल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियल एंड आयोनिक रेडियल इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप increases on moving down the group due to increase in a number of cell increase in number of cell number of cell and on moving from left to right and on moving from left to right in a period its value gradually decreases due to increase in effective nuclear charge
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन द केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into, the last electron enters into anti-penultimate shell, ALTE, enters into anti-penultimate shell, and therefore, their size should be constant. But it gradually decreases on increasing the atomic number. Gradually decreases on increasing the atomic number. And this is due to poor shielding effect. or a screening effect of electron present in F orbital. Next one. The obstruction produced by inner electron, due to which the interaction. between nucleus and valence electron decreases is called shielding effect. सबसे ज्यादा shielding effect produce करता है इसके बाद P, इसके बाद D और इसके बाद इनमें से S और P के shielding effect को strong shielding effect कहा जाता है, यहां स्ट्रॉन्ग, और डी एंड एफ को वीक या पुअर शेडिंग इफेक्ट है, यानी कि सबसे पुअर किसका होगा, एफ का। नोट करो फिर समझा, नोट कर लिए, चलो अब समझते हैं। पहले ही बताया था शेडिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे एटम का एक सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, ध्यान से समझना, और इसके चारों तरफ में सर्कुलर पाथ है जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। किसी एटम का साइज कितना होगा यह डिपेंड करेगा उसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके एटॉमिक साइज को डिसाइड करता है, क्योंकि साइज तो बाहर वाले से ही हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने मकान का एरिया बनाना चाहते हैं तो कितना लंबाई चौड़ाई है, तो जितना में रूम बना हो उतना नहीं, आपका बाउंड्री जहां पर है उतने के एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो गया।
ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो इनके बीच में खिंचाव होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। फिर कहता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में खिंचाव होगा, एक्चुअली इसके अंदर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके खिंचाव के वैल्यू को कम कर देते हैं, यानी कि इनके इंटरेक्शन वैल्यू को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, क्योंकि ये भी रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो इनके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया जाता है उसी ऑब्स्ट्रक्शन को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अभी जब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का खिंचाव वैल्यू घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर से समझना, अंदर में जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा न्यूक्लियस और बाहर वाले के बीच का इंटरेक्शन वैल्यू उतना ही कम होगा, और अगर वीक शील्डिंग इफेक्ट है तो खिंचाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे समझो, जनरली आप भी फील करते होंगे, हम लोग के जमाने में भी होता था, आज में भी होता है, हम लोग में भी जब पढ़ते थे तो कभी भी किसी भी समय में 100% स्टूडेंट किसी भी बैच में पढ़ने वाला नहीं रख सकता है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक बैच में पढ़ने वाले भी स्टूडेंट रहते हैं जिनका 80% मूड होता था पढ़ने के लिए, कुछ वैसे भी एवरेज लेवल के होते थे जो दोनों तरफ में बैलेंस करने का काम करता था, और कुछ वैसे होते थे जिनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एडमिशन ले लिए हैं और बाकी किसी तरफ से जो अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पास करते हैं। अजीसा नंदा प्लस, ठीक है, उनका सर्किल वगैरह भी लंबा चौड़ा होता है, ध्यान से समझ। जनरली वैसे स्टूडेंट जो है वो लास्ट बेंच को प्रीफर करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। जो लंबा चौड़ा स्टूडेंट है उसके पीछे में बैठते हैं कि टीचर हमसे कभी जो है वो आई कॉन्टेक्ट नहीं हो, और जब आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कोई जरूरी जो आज बैठा हुआ है वो जो नहीं पढ़ने वाला है। जनरली हम नहीं पता, एक्सेप्शन ही जरूरी है, एक्सेप्शन तो पीछे में बैठा रहे, जब उसको लेकर के पीछे वाला से ज्यादा पूछ पाछ होता है तो पीछे में आकर के बैठ जाए, क्या तो हम सुरक्षित है, क्योंकि वो पूछने से बहुत ज्यादा डरता है, तो उसको लगता है कि मेरा इधर जो कभी भी जा सकता है, टीचर के साथ में आई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, और टीचर भी उसी तरह से वो भी भाग, जैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो समझ जाता है कि कमजोर कर दिया यहीं पर, ठीक है, अब वो नजर गड़ाए हुए कोई जैसे ही ऊपर देखेगा देखा, ठीक है, ऐसे फिर जो नीचे नजर जुटाए हुए समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर जो है वो दाया माया करेगा, फिर से कुछ पूछ दीजिए और खड़ा करा दीजिएगा तो उतने में वो अपना नाम हम सब भुला जाए, नाम दाम सब भुला जाए, ना तो बात ही छोड़ दी, उसमें क्या है। तो अब ध्यान से समझना, अब क्या हुआ, एक दिन जो मान लीजिए कि 50 बच्चा बैठा वो कॉर्नर में वहां बैठा अपना मोबाइल निकाले लो कुछ कुछ कर रहा है, टीचर यहाँ पढ़ाने में है, उसका इंटरेक्शन जो आगे पीछे वाले स्टूडेंट के पास में नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे वाले स्टूडेंट से क्या हो रहा है, धाका हो रहा है, ठीक है, वो उसको हाइड कर। अब कंडीशन बता, अब स्टूडेंट का नंबर उतना ही है, अब एक दिन क्या हुआ कि आपको हटा करके आपके पेरेंट्स लोग को बैठा दिया था, अब स्टूडेंट को पीछे वाला वहीं पर, ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ फैकल्टी से उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि पेरेंट्स है तो और बल की साइड होगा, और वहां पर डिस्टेंस और ये हो तो जब स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन आ गए तो इंटरेक्शन वैल्यू और कम हो जाएगा, यानी इसकी स्केप करने का चांसेस जो और बढ़े, साइज जो बड़ा होता चला। दूसरा कंडीशन, इस स्टूडेंट को निकाल कर नर्सरी क्लास वाले बच्चे को बैठा दिया, तो अब बताओ उसका इंटरेक्शन वैल्यू घटेगा बढ़ेगा या वही रहेगा, अब तो नर्सरी क्लास का बच्चा इस बेंच में बैठा रहेगा तो मोबाइल हाथ में लिए टीचर को यहां से साफ दिख जाए कि वहां पर मोबाइल लिए हो, वही क्या होता है कि f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो थर्ड लास्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यहां आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन तो अंदर में जा रहा है और साइज यहां और इसके बाहर वाले पर डिपेंड करता है, तो साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और इनका शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू क्या है, पुअर है। आप बैठे हुए थे जितने उतने लोग बैठे हुए, अब क्या हुआ कि 20 बच्चा और आ गए और उनके साथ में एक और टीचर आ गया, वो 20 बच्चा जो नर्सरी क्लास पर, तो इंटरेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो नर्सरी क्लास का बैठा हुआ है लेकिन पीछे वाले पर तो नजर जाएगा ना, तो टीचर जो नर्सरी के थे वही बोले देखिए आपके क्लास का बच्चा जो देखिए क्या कर रहा है, आपका ध्यान नहीं। तो यहाँ एफ इलेक्ट्रॉन आया, जितना इलेक्ट्रॉन इंटर किया उतना ही क्या इंटर कर गया, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज,
लेकिन इसका इंटरेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन सीडिंग इफेक्ट पुअर है तो इस न्यूक्लियस और इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा छोटा। इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। आपसे सवाल आप ये कर सकते हैं कि सर बाकी सब में भी तो साइज जो है वो डिक्रीज करता है तो कॉन्ट्रैक्शन टर्म यहीं पर क्यों लगा है? तो बाकी में लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर होता है। यहां पर अगर हम लोग मूव करते हैं इस जगह पर तो स्कैंडियम से टिटेनियम का छोटा हो रहा है कैनेडियम का क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है लेकिन ये सब का सब तो एक ही पीरियड के अंदर में है ये तो लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा है तो जब सेम में है तो साइज भी क्या होना चाहिए सेम और फिर भी घट रहा है तब यहां पर एक खास बात ये इससे छोटा साइज इसका होगा इससे छोटा साइज इसका होगा वो समझ में आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेकिन ये सब का सब तो इसी जगह पर एक ही में तब उनका साइज क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अंदर में जा रहा है बाहर में नहीं जा रहा फिर भी डिक्रीज कर रहा है तो इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन करीब करीब जो रिपीट करता आ रहा है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखे लिखवाते हैं आगे देखो स्टीडी डिक्रीज स्टीडी एस टी ई ए डी वाई द स्टीडी डिक्रीज स्टीडी डिक्रीज स्टडी का मतलब यूनिफॉर्म द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड ड्यू टू ऑफ लेंथेनॉइड ड्यू टू of length and wide on increasing the atomic number due to poor shielding effect shielding effect of 4f electron due to poor shielding effect of 4f electron 4f इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जिस तरह से लेंथेनॉइड है उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा एक्टिनॉइड लिखे सिमिलरली द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एक्टिनॉइड विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग आई कार्ड दीजिए अटेंडेंस के लिए उसके बाद आगे कंप्लीट कराते हैं। लिखो नेक्स्ट General chemical reactivity of lanthanides. General chemical reactivity of lanthanides. लिखिए इसमें लेंथेनाइड्स शोज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट
oxidation state, and we have like a reactive metal, reactive metal. Its chemical reactivity, can be summarized, as follows. नोट कीजिए आप. नोट कर ली. ये कुछ अलग नहीं, मेटल जो तीन वैलेंसी शो करता है, जैसे एल्युमिनियम आप एलएन की जगह पर एलएन लेंथ एंड हाइट को रिप्रेजेंट करता है, सारे लेंथ और छोटी इनका अभी लिखवाएंगे. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होता है. तो जो एल्युमिनियम रिएक्शन करता है, मेटल करता है, वही यहां भी करता है. जैसे आपको मेटल हैलोजन के साथ जाकर मेटल हैलाइड बनाता है, अगर एल्युमिनियम का क्लोरीन से कराएंगे तो AlCl एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा. तो Al की जगह पर यहाँ क्या लिखा है, Al. मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ये भी वही काम करता है. एल्युमिनियम अगर डालते तो Al को वही सुपरक्राइज रहता है क्योंकि एल्युमिनियम का अर्थ भी होता है. कार्बन के साथ रिएक्ट कर कार्बाइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, और एसिड के साथ रिएक्ट कर साइड है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. अब यहां पर अगर एल्युमिनियम रहता, क्योंकि एसिड कौन सा आप यूज कर रहे हैं और लैंथेना में कौन सा है, उस पर इनका फॉर्मूला डिपेंड करेगा. जैसे एसिड आप H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, तो उसके अनुसार से वेरी कर सकते हैं. तो सभी जो है वो बाकी साइड कंफर्मेशन करता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज को इसको अब इसके बाद में है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में कुछ एक वो प्रॉपर्टी जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में कॉमन है, सिमिलर है, और कुछ एक वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों के बीच में डिफरेंट है. लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनाइड and actinide, similarities between lanthanide and actinide.
एंड एक्टिनाइड। लिखो इसमें पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, बोथ एग्जिबिट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ एग्जिबिट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, इन बोथ एफ ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव हाई रिएक्टिविटी। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव हाई रिएक्टिविटी एंड हैव हाई रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट, बोथ शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर। यानी कॉम्प्लेक्स में से एक आयन को हटाकर दूसरा आयन उसकी जगह पर फिट बैठ जाता। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनवाइड्स एंड एक्टिनवाइड्स। लिखे इसमें फर्स्ट पॉइंट, लैंथेनवाइड्स शो मेनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरी फ्यू शो प्लस टू एंड प्लस फोर while actinoids show plus two to plus seven oxidation state. Next point, second point, देखो आकांक्षा मेरे साथ लिखो, जो छूटा the binding energy of 4F in actinoids. Next point, most of the ions of actinoids
आर कलर्ड, आर कलर्ड। जैसे डी ब्लॉक में हम लोग कलर के बारे में रीजन पढ़े थे, तो वहां पर आया था किस वजह से कलर होता है, डी जी ट्रांजिशन। यहां पर क्या आएगा, एफ एफ ट्रांजिशन, ब्रैकेट में लिख लो एफ एफ ट्रांजिशन। अब यहां समझाने की जरूरत नहीं है कि एफ एफ ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में शिफ्ट कर, एफ एफ ट्रांजिशन। लास्ट पॉइंट, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम लैंथेनोइड्स आर, एक्सेप्ट प्रोमीथियम लैंथेनोइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, लैंथेनोइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। वाइल वाइल ऑल द एक्टिनोइड्स, वाइल ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, वाइल ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, आर रेडियो एक्टिव, ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। यानी लैंथेनोइड्स में सिर्फ एक प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, जबकि सारे के सारे एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्टिनोइड्स का डिस्कशन नहीं किया गया, बस इतना ही। इनऑर्गेनिक है। अब इसके बाद में इस वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक वगैरह सैंपल पेपर पे कंसंट्रेट करोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है, तो जितना बात बताए हैं उससे वो रिलेट हो जाएगा कि हाँ उसी से रिलेटेड। नहीं तो बहुत ज्यादा लिख पाएंगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा इस वजह से। अब इसके बाद बाकी जो अगले क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, सॉरी इनऑर्गेनिक करें ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।